अरे रोहित शर्मा, मुझे एक बात साफ साफ बताओ, तुमने भुवनेश्वर कुमार से कोई कर्जा उर्जा ले रखा है क्या? तुम्हें उसके पैसे उसे चुकाने हैं? तुम ये बताओ, जब भी दूसरी टीम को, विपक्षी टीम को अपने खिलाफ दो ओवर में 25-20 या 19-18 ऐसे रन की जरूरत होती है, तुम भुवनेश्वर कुमार को 19वां ओवर दे देती हो, समझे? और वो 19वें ओवर में कभी 20, कभी 18, कभी 17 ऐसे रन देके मैच खत्म कर देता है। कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो ओवर में 18 रन की जरूरत थी, इस भुवनेश्वर कुमार ने 19वें ओवर में 16 रन पड़वा दिए। ये बताओ, अब कोई आखिरी ओवर में 2 रन बचा लेगा? बचा सकता है कोई 2 रन? तुम ही बताओ मुझे, क्या बात है, तुम 19वें ओवर भुवनेश्वर कुमार को क्यों देती हो? चलो वो बात तो ठीक रही है, बताओ आज कमा के कितना लाए, कितनी दिहाड़ी हुई? रोहित शर्मा तुम बताओ, भुवनेश्वर कुमार तुम भी बताओ, कितने रुपए कमा के लाए रिक्शे में? अरे क्या बताऊं मोदी जी, आज मुझे रिक्शे पर एक भी सवारी नहीं मिली, बिल्कुल सुबह से बेरोजगार फिर रहा हूं। जब से तुमने सुबह से रिक्शे के काम पे लगाया है, एक भी सवारी नहीं मिली, खाली टहल रहा हूं मैं। भुवनेश्वर कुमार को भी पता नहीं मिली है कि नहीं मिली है, क्या बताऊं, मेरी मति मारी गई होती है जब मैं 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार को दे देता हूं। पता नहीं क्यों दे देता हूं, मैं खुद नहीं समझ पाता। फिलहाल मोदी जी अब मैं नहीं दूंगा, अब मुझसे ये काम छुड़वा दो रिक्शे वाला। अच्छा भुवनेश्वर कुमार, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, चलो रोहित शर्मा तो कप्तान है, वो जबरदस्ती तुम्हें 19वां ओवर दे देता है, तुम ये बताओ 19वां ओवर डालना पसंद करोगे या 20वां? मैं तुमसे पूछता हूँ आज, और ये भी बताओ कितने रुपए कमा के लाए आज रिक्शे में? देखो मोदी जी, मैं साफ साफ बता देता हूँ, मैं तो भाई 19वां ही ओवर डालना पसंद करूंगा। अरे मोदी जी, मैं रन तो कम कर रहा हूँ 19वें ओवर में देने से, समझे? पहले मैंने 22 रन दिए थे, फिर 20 रन दिए थे, अब मैंने 16 रन दिए, रनों में कमी हो रही है, 19वां ओवर ही डालना पसंद करूंगा मैं। एक दिन वो आएगा 19वां ओवर डालते डालते मैं 10 रन देने लगूंगा, समझे? मैं 19वां ही ओवर डालना पसंद करूंगा। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।